नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस मैथ्स अकेडमी। मैं आपका दोस्त अरविंद सुमन। दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है पटवारी परीक्षा पाठ्यक्रम 2017। यानी 2017 में पता है आप सभी को कि पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, तो इसके माध्यम से मैं आपको आज पटवारी परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी पटवारी परीक्षा में जो सिलेबस पूछा जाएगा, किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज के समय में क्या है, पढ़ना सभी को है, बट क्या पढ़ना चाहिए ये सभी को पता नहीं होता है। पटवारी की तैयारी सभी करते हैं, लेकिन सभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी बुक से पढ़ते रहते हैं। उनको यदि सिलेबस क्लियर नहीं हो पाता, तो इस पर्पज से फिर उनको ये बात नहीं पता चलती कि हमारे लिए क्या पढ़ना है। जब तक आपके लिए सिलेबस किसी चीज़ का पता नहीं, किसी चीज़ की आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, यदि घर की बेसिक नींव मजबूत नहीं है दोस्तों, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ, ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सिलेबस को आप देखिए, इसी सिलेबस के अनुसार पढ़ना चालू कीजिए, स्टार्ट कीजिएगा तो जरूर आपका सिलेक्शन संभव होगा। तो दोस्तों, इसके पहले मैं बता दूं कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से आपका दोस्त कुछ नहीं होता है, आपका कोई पैसा नहीं लगता, आप परेशान नहीं होते, लेकिन आपके हमारे किसी भाई बंधु का एक भला हो सकता है यदि इस वीडियो शेयर करने के माध्यम से। यदि किसी बंधु को ये वीडियो मिल जाएगा और हो सकता है उसको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, और आपने यदि वीडियो से उसको शेयर किया, तो शेयर करने के बाद उसको सिलेबस जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज शेयर करना मत भूलिए, मैं बार बार बोलूं, सब्सक्राइब करना एक अलग बात है, लेकिन शेयर करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक का। पहला है सामान्य ज्ञान। यानी दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान है, यानी सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है, यानी जनरल नॉलेज। इस जनरल नॉलेज में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लूसेंट की बुक पढ़ना है। लूसेंट की बुक से ही आप इस सामान्य ज्ञान को पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक से सारा ही सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको मैक्सिमम आप लूसेंट की बुक ही प्रेफर करें तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य गणित व सामान्य अभिरुचि। दोस्तों, सामान्य गणित यानी गणित बिल्कुल जनरल गणित होती है, जो आपकी 10th क्लास तक आती है, और आपकी जो रीजनिंग होती है वो भी बिल्कुल बहुत नॉर्मल आती है। तो दोस्तों, इसके लिए भी आप गणित के लिए दोस्तों आप आर एस अग्रवाल की बुक को प्रिफेयर कर सकते हैं, और सामान्य अभिरुचि के लिए तो आप इसके लिए जनरली लूसेंट की कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लूसेंट में आपको रीजनिंग अच्छी मिल जाएगी। सेकंड है दोस्तों, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये बिल्कुल स्कोरिंग मार्क्स का है। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी के लिए आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट के साथ साथ आप अरिहंत भी प्रिफेयर कर सकते हैं। यदि अरिहंत भी बुक अच्छी है, नो इशू, तो अरिहंत को भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आपका सामाजिक व्यवस्था। यानी जो सामाजिक व्यवस्था यानी समाज से रिलेटेड यदि आपको पढ़ना है, तो इसके लिए आप मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप इसी बुक को पढ़ें, क्योंकि समाज से रिलेटेड, समाज की व्यवस्था के लिए बहुत सारे टॉपिक सेम होते हैं, तो ये हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है दोस्तों टॉपिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के लिए भी आप ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लूसेंट की बुक प्रिपेयर करें या अरिहंत की बुक प्रिपेयर करें या किसी की करें, आप किसी की भी पढ़ सकते हैं, इसमें थ्योरी की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर दक्षता। कंप्यूटर दक्षता में आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। कंप्यूटर के लिए तो आप बिल्कुल लूसेंट की बुक को ही पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक को रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, लूसेंट की बुक वैसे मैक्सिमम बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मेरा बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इस वीडियो को रेफर कीजिएगा। यदि आप वीडियो को रेफर करते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो किसी भाई बंधु का इससे जरूर बेनिफिट होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है बिल्कुल कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिससे मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ। जब तक के लिए नमस्कार, आपका दोस्त अरविंद सुमन एस मैथ्स अकेडमी से। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।